फेस टू डे न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं शावेद हुसैन जैदी। ब्रेकिंग न्यूज है, अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी में अब्रोनेक्स अपार्टमेंट में आग लगने से 19 लोगों की जान चली गई है, जिसमें 9 बच्चे शामिल हैं। बताया जा रहा है कि अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी की अब्रोनेक्स बिल्डिंग अपार्टमेंट में आग लगी, जिसपे बुझाने के लिए 200 से ज्यादा फायर फाइटर्स मौजूद रहे और बिल्डिंग में रेस्क्यू का ऑपरेशन चलाया गया, जिसमें लोगों को बाहर निकाला गया। बताया जा रहा है कि माल फंक्शन हीटर से इस बिल्डिंग में आग लगी है, जिसकी वजह से 19 लोगों की जान चली गई, जिसमें 9 बच्चे शामिल हैं, 63 लोग घायल हैं, जिसमें 13 की हालत क्रिटिकल बताई जा रही है। इस अपार्टमेंट में रहने वालों की ताल्लुक ज्यादातर गाम्बिया देश से है, जो कि मुस्लिम हैं, और इनके देश के लोगों से यानी कि डिप्लोमेट से इनकी तदफीन के लिए बात की जा रही है और इनके मजहबी रसूमात के तहत इनकी तदफीन की तैयारी की जा रही है। वेस्ट न्यूज़ के लिए मैं शाबीर हुसैन जैदी।